गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। लास्ट क्लास में हमने इलेक्ट्रिसिटी कैसे जनरेट होती है हमारी कंट्री में इसके बारे में पढ़ा था, कौन से चार सोर्सेज थे, थर्मल पावर प्लांट, हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी पावर प्लांट, न्यूक्लियर पावर प्लांट एंड द कन्वेंशनल सोलर सोर्सेज। ओके, जो कन्वेंशनल गैस एनर्जी के थ्रू हम पावर जनरेशन कर सकते हैं। ओके, तो आइए हम जानते हैं कि टोटल जो थर्मल इलेक्ट्रिसिटी के कौन कौन से मेजर जगह हैं जहां पर इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होती है। तो 1975 में इस्टेब्लिशमेंट हुआ था NTPC यानी कि नेशनल थर्मल पावर कॉरपोरेशन। ओके, ये 1975 में डेवलप हुआ था, इसको इस्टेब्लिश किया था फॉर द डेवलपमेंट ऑफ द थर्मल पावर प्लांट्स। ओके, अब आज की तारीख में प्रेजेंटली NTPC के पास 12 कोल बेस्ड थर्मल पावर प्रोजेक्ट्स हैं, यानी कि 12 उनके पास अभी भी ऑनगोइंग थर्मल पावर प्लांट प्रोजेक्ट्स ऑनगोइंग हैं। इसके साथ साथ उनके पास 7 गैस बेस्ड, यानी कि गैस मतलब ऐसे प्रोजेक्ट्स या फिर ऐसी प्लेसेस जहां से गैस से जनरेट हो रहे हैं, ऐसे पावर प्लांट जहां पे गैस के थ्रू पावर जनरेट हो रही है। ओके, तो उन्हीं पावर प्रोजेक्ट्स के कुछ नेम्स हैं, जैसे सिंगरौली में है, एक मध्य प्रदेश में है, छत्तीसगढ़ में कोरबा में है, तेलंगाना में रामागुंडम प्लेस पर है, वेस्ट बंगाल पाराक का प्लेस पर है, मध्य प्रदेश में विंध्याचल में एक पावर प्लांट है, उत्तर प्रदेश में रिहान नाम का एक पावर प्लांट है, रिहान नाम के प्लेस पर एक पावर प्लांट है, उत्तर प्रदेश में ही दादरी में भी है, बिहार में कहलगांव में है, उड़ीसा में तालचर में है और उत्तर प्रदेश में ही अनचाहा में है और दिल्ली में बदरपुर। इन प्लेसेस में कोल प्रोजेक्ट्स ऑन गोइंग NTPC के चल रहे हैं। ओके, जो कि अभी चालू है, मतलब इन वर्किंग कंडीशन में जहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस हो रही है। इसके बाद आता है हमारे पास हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी। एज ऑल ऑफ यू नो कि व्हाट इज हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी, ऐसी पावर या फिर ऐसी इलेक्ट्रिसिटी जो कि पानी की हेल्प से जनरेट हो। तो आप सभी जानते हैं डैम्स कंस्ट्रक्ट किए जाते हैं जिसमें पावरफुल टर्बाइंस लगाए जाते हैं जिसकी हेल्प से हम इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करते हैं। सो हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी इज द परमानेंट सोर्स ऑफ पावर। हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी विल बी प्रोड्यूस टिल देयर इज वाटर ऑन द अर्थ। हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी एक ऐसा सोर्स ऑफ पावर जनरेशन है, जब तक अर्थ पर पानी रहेगा तब तक हम पावर जनरेट कर पाएंगे। इट इज प्रोड्यूस फ्रॉम अ रनिंग वाटर बाय द टर्बाइंस, जिसमें बताया था डैम्स बना दिए जाते हैं जहाँ पे पानी का प्रेशर ज़्यादा होता है, जिससे कि वहाँ पे टर्बाइंस इंसुलेट फिट कर दी जाती है, जिससे कि उन पावर पानी के प्रेशर की हेल्प से टर्बाइंस चलती है, उन टर्बाइंस से जो मैकेनिकल जो एनर्जी क्रिएट होती है उसको फिर इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर लिया जाता है। इट प्रोड्यूसेस फ्रॉम द नेचुरल वाटरफॉल्स और आर्टिफिशियल फॉल्स एंड मेड बाय कंस्ट्रक्टिंग ए डैम, जैसे मैंने आपको बताया था। द ज्योग्राफिकल कंडीशन नेसेसरी फॉर द प्रोडक्शन ऑफ हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी आर प्रेनर रिवर रेगुलर फ्लो ऑफ वाटर थ्रू आउट द ईयर, रिवर शुड हैव नेचुरल वाटरफॉल्स और शुड हैव फेवरेबल फॉर द कंस्ट्रक्शन ऑफ डैम्स। जो उसमें ज्योग्राफिकल कंडीशंस लगती है, एक तो पानी हमेशा बहता हुआ होना चाहिए, इसके साथ साथ जो वाटर जो है थ्रू आउट द ईयर रहना चाहिए, उसके अंदर रेगुलर फ्लो होता रहना चाहिए, या तो वहाँ पे कोई नेचुरल वाटर फ्लो हो या फिर आर्टिफिशियल आजकल बना दिए जाते हैं, या फिर डैम्स बनाने के लिए सूटेबल जगह वहाँ की जो सॉइल बियरिंग कैपेसिटी है डैम के लिए वो भी एडुकेट होनी चाहिए, जब जाके वहाँ पे डैम कंस्ट्रक्ट किया जा सकता है। ओके, रिवर शुड हैव नेचुरल वाटरफॉल्स और शुड हैव फेवरेबल फॉर कंस्ट्रक्शन ऑफ डैम्स, क्वांटिटी ऑफ बैरेज शुड बी लेस इन द रिवर, अवेलेबिलिटी ऑफ ट्रांसपोर्ट फैसिलिटीज सफिशियंट, कैपिटल ट्रेन स्टाफ एंड अवेलेबिलिटी ऑफ मशीन, एरियाज ऑफ कंजप्शन शुड बी नियर द प्रोडक्शन यूनिट बिकॉज ट्रांसमिशन ऑफ पावर टू लॉन्ग डिस्टेंस कैन कॉज लॉसेस ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। इसके साथ साथ उसके आस पास के एरिया में ही हमारे उस पर पावर इलेक्ट्रिसिटी का प्लांट होना चाहिए, जिससे कि हाथों हाथ वहीं पावर जनरेट होगी, वहीं के वहीं हम इलेक्ट्रिसिटी को कंजर्व कन्वर्ट करके हम एज इलेक्ट्रिसिटी को यूज़ कर सके। अदरवाइज होगा क्या कि अगर हम ज़्यादा लंबे दूर तक अगर पावर प्लांट्स होंगे तो वहाँ पर इलेक्ट्रिसिटी प्लांट्स होंगे तो वहाँ तक इलेक्ट्रिसिटी जाते जाते लॉस काफ़ी हो जाएगा। इसके साथ साथ ट्रांसपोर्टेशन फैसिलिटीज ईजी होनी चाहिए, ट्रेन स्टाफ होनी चाहिए, मशीनरी सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट मशीन्स का होना ज़्यादा ज़रूरी है। इसके साथ साथ जो रिवर का पानी है या फिर उस डैम के आसपास का पानी है जिसमें स्टोर करके हमने रिजर्वायर में स्टोर करके रखा, उसमें पत्थर नहीं होना चाहिए, छोटे छोटे डैब्रिस होते हैं पत्थर नहीं होना चाहिए, जो कि टर्बाइन को रेगुलेट होने में टर्बाइन को चलाने में हेल्पफुल मतलब प्रॉब्लम क्रिएट करेंगे। ओके,
अब हम ये जानेंगे कि हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूसिंग एरियाज कौन कौन से, कहाँ कहाँ हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी पावर्स प्रोड्यूस होते हैं। तो पंजाब में भाखड़ा नंगल डैम है, ओके, देहार है, पौंग है, इसके साथ साथ हिमाचल में है, जम्मू कश्मीर में है, राजस्थान में है, उत्तर प्रदेश, गुजरात, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, कर्नाटका, केरला, तमिलनाडु, झारखंड, उड़ीसा, वेस्ट बंगाल, मणिपुर, आंध्र एंड तेलंगाना। ये कुछ ऐसे ऐसे स्टेट्स के नाम है जहाँ पर हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी जो जनरेट होती है, ओके। इसमें आपने बहुत सारे ऐसे डैम्स के नाम सुने होंगे, लाइक भाखड़ा नंगल डैम वन ऑफ द सबसे मीन्स वन ऑफ द मोस्ट मेजर डैम्स है हमारे इंडिया का, तो उसमें ही 600 मेगावाट ऑफ पावर जनरेट करती है। इसके साथ साथ ऐसे बहुत सारे डैम्स है, जम्मू कश्मीर झेलम रिवर पर डैम्स बने हुए हैं जहाँ पर हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी पावर प्लांट बने हुए हैं, ओके। नागार्जुन सागर डैम है। सो पेज नंबर 43 में आपको एक लिस्ट दे रखी है जिसमें आपको पूरी एक्यूरेट आपको पता चल जाएगा कि कौन सा स्टेट में कौन कौन से डैम्स बना रखे हैं, कौन कौन से रिवर्स पर जहाँ से हम पावर जनरेट कर रहे हैं इन मेगा वाट, ओके। इसमें मैं बस आपको बेसिक नॉलेज इतना दे रहा हूँ कि सब पहला जो हाइड्रो पावर प्लांट एवं हाइड्रो पावर प्लांट लगा था, स्टैब्लिश हुआ था, वो हुआ था इन द ईयर 1902, ओके। कहाँ पर हुआ था? कर्नाटका में, है ना, कर्नाटका में हुआ था, शिव समुद्रम नाम की प्लेस पर हुआ था। इंडिया इज डिवाइडेड इनटू 5 रीजन ऑन द बेसिस ऑफ हाइड्रो पावर प्रोडक्शन, है ना, 5 रीजन में उसको डिवाइड किया गया है ऑन द बेसिस ऑफ देयर प्रोडक्शन। नॉर्थ रीजन कंट्रीब्यूट्स, जो नॉर्दर्न पार्ट ऑफ जितने भी डैम्स या हाइड्रो पावर प्लांट है वहाँ पे 35% कंट्रीब्यूशन होता है। ऑन द वेस्टर्न साइड जो हमारा अरेबियन सी के आसपास वाला इलाका है वहाँ से 12%, इन द सदर्न पार्ट यानी इन द पेनिनसुलर प्लेटू 44%, इन द ईस्टर्न पार्ट 7% एंड द नॉर्थ ईस्टर्न पार्ट, ओके, द सेवन द स्टेट्स ऑफ सेवन सिस्टर्स, वहाँ से 2% टोटल हाइड्रल पावर जनरेट होती है, ओके। हाइड्रल पावर इन द कंट्री इज प्रोड्यूस बाय द नेशनल हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर कॉरपोरेशन, जिसका NHPC बोला जाता है, जिसको जो जितना भी पावर प्रोडक्शन होता है उसको कंट्रोल करने का जिम्मा NHPC पे या फिर नेशनल हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर कॉरपोरेशन के ऊपर होता है, जिसका एस्टैब्लिशमेंट 1975 में किया गया था। इट हैज कंप्लीटेड कंस्ट्रक्शन ऑफ 8 हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट्स टिल 2006 तक उन्होंने 8 पूरी तरीके से हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट कंप्लीट कर लिए थे। आज के समय पे हाइड्रो इलेक्ट्रिक या फिर हाइड्रो पावर प्लांट वन ऑफ द मेजर रोल प्ले करते हैं प्रोड्यूसिंग द इलेक्ट्रिसिटी, ओके। आपकी बुक में थोड़ा डाटा जो है वो थोड़ा पुराने समय का है, इन द मॉडर्न वर्ल्ड हम थर्मल पावर प्लांट से भी ज़्यादा इसको हाइड्रो इलेक्ट्रिक या फिर हाइड्रो पावर प्लांट को ज़्यादा प्राथमिकता दे रहे हैं। फिर जो एक और सोर्स है जिससे कि हम पावर जनरेट कर सकते हैं वो है न्यूक्लियर इलेक्ट्रिसिटी, ओके। यूज ऑफ न्यूक्लियर इलेक्ट्रिसिटी वाज स्टार्टेड इन 1969। इसका स्टार्ट जो हुआ था, इसका स्टार्ट जब सबसे पहले 1969 में होता है। इसमें रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स को यूज़ किया जाता है। उसमें सबसे जो प्रोमिनेंट जो इसमें यूज़ किया जाता है वो क्या जाता है, यूरेनियम, ओके। यूरेनियम खुद एक रेडियो एक्टिव एलिमेंट है जो कि काफ़ी अमाउंट ऑफ एनर्जी जनरेट करता है, ओके। तो इसमें आपकी बुक में कुछ नाम दे रखे हैं जो कि ऐसे मिनरल्स जो कि एलिमेंट्स, रेडियो एक्टिव एलिमेंट जो कि एनर्जी जनरेट करते हैं, उसमें आगे यूरेनियम, थोरियम, बेरिलियम एंड जिरकोनियम मिनरल्स आर यूज टू प्रोड्यूस न्यूक्लियर एनर्जी। इंडिया पजेस द लार्जेस्ट रिजर्व ऑफ दिस मिनरल्स। हालांकि इंडिया में अभी न्यूक्लियर पावर प्लांट के बारे में इतना नहीं पता, इतनी जनरेशन नहीं होती, पावर जनरेशन नहीं होती, बट इनकी रिजर्व हमारे यहाँ अवेलेबल है, ओके। और इनफैक्ट लार्ज अमाउंट ऑफ रिजर्व्स आर अवेलेबल इन आवर कंट्री, देयरफॉर न्यूक्लियर इलेक्ट्रिसिटी कैन बी इजीली प्रोड्यूस्ड इन इंडिया, और इसी वजह से न्यूक्लियर एनर्जी काफ़ी इजीली प्रोड्यूस हो सकती है। इन इंडिया एटॉमिक एनर्जी कमीशन वॉज इनकॉर्पोरेटेड इन 1945 एंड इन 1954 गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हैज एस्टैब्लिश्ड एटॉमिक एनर्जी डिपार्टमेंट। प्रेजेंटली 5 प्रोजेक्ट्स आर वर्किंग इन द कंट्री विच आर मेंशन्ड इन द ब्लॉग। अभी जब इसको इनिशियल ईयर्स 1945 में इसको इस कमीशन को बनाया गया था, एटॉमिक एनर्जी कमीशन को, और 1954 में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने इसको एस्टैब्लिशमेंट किया था एज एन एटोमेटिक ऑटोमिक एनर्जी डिपार्टमेंट, ओके।
प्रेजेंटली वो 5 प्रोजेक्ट्स पे काम कर रहा है, जो कि एक तारापुर महाराष्ट्र में है, एक राजस्थान में कोटा में, एक तमिलनाडु में कालपक्कम, और उत्तर प्रदेश में नरौवा, और गुजरात में काकरापुर। ओके, अपार्ट फ्रॉम दिस कायगा कर्नाटका और रावतभाटा राजस्थान, वहां पर भी काम चल रहा है न्यूक्लियर पावर एनर्जी पे। नॉन कॉन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी, जो कि हम ज़्यादा यूज़ नहीं करते आ रहे हैं लंबे समय से, ऐसी एनर्जी को हम बोलते हैं नॉन कन्वेंशनल। उसी में सबसे जो एक एनर्जी आती है सोलर एनर्जी, जिस पर कि अब धीरे धीरे फोकस किया जा रहा है सोलर एनर्जी पर। ऑब्वियसली यू नो द नेम सजेस्ट सोलर एनर्जी के बारे में कि सन से जो एनर्जी मिलती है उसी को हम सोलर एनर्जी बोलते हैं। इट इज़ यूज डायरेक्टली एंड कैन बी यूज बाई कन्वर्टिंग इन टू द इलेक्ट्रिसिटी। होता क्या है कि इसमें आपने सोलर पैनल्स देखेंगे जो कि सन की जो एनर्जी होती है उसको इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करके बैटरीज में प्रिजर्व करके हम फिर एज एन इलेक्ट्रिसिटी यूज़ कर सकते हैं। सोलर एनर्जी इज यूज इन हीटिंग वाटर, कुकिंग, स्पेस हीटिंग, ड्राइंग वाटर प्योरीफिकेशन, पावर जनरेशन, रिपनिंग ऑफ क्रॉप्स, एसलाइट एंड इन रनिंग मशीन। सोलर एनर्जी काफ़ी वाइडली यूज है। उसका अगर एग्रीकल्चर फॉर्म में देखिए तो सोलर एनर्जी के साथ की जो फसल होती है वो पकती है, आप आजकल हम इलेक्ट्रिसिटी जनरेट कर सकते हैं इसके साथ साथ कुकिंग का इलेक्ट्रिसिटी, इसके साथ सोलर कुकर से अच्छे कुकिंग कर सकते हैं, वाटर हीटर्स से सोलर जो हीटर्स होते हैं उसकी हेल्प से हम वाटर हीट कर सकते हैं, और पावर जनरेशन में भी काफ़ी इस्तेमाल हो रहा है। सोलर थर्मल एनर्जी जनरेटेड विद द हेल्प ऑफ सोलर कलेक्टर्स एंड रिसीव्ड, वेयर एज सोलर एनर्जी इज कन्वर्टेड इनटू इलेक्ट्रिसिटी बाय सोलर फोटो वॉलेटिक सेल टेक्नोलॉजी। इलेक्ट्रिसिटी जनरेटेड बाय सोलर एनर्जी कैन बी यूज्ड फॉर कमर्शियल पर्पस नाउडेज इन द डिस्टेंट विलेजेस ऑफ इंडिया वेयर इलेक्ट्रिसिटी इज नॉट अवेलेबल। सोलर एनर्जी इज यूज्ड फॉर डिफरेंट पर्पसेस, मोर देन 980,000 सोलर इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूसिंग यूनिट्स have been installed in our country, aggregating and the capacity of 96 megawatt. अभी as present हम with the help of solar energy हम 96 megawatt of energy या फिर power हम generate कर पा रहे हैं। और भी ज़्यादा किया जा रहा है, मोस्टली इसका यूजेस आजकल विलेजेस में किया जा रहा है जहाँ पर पावर कट की प्रॉब्लम होती है या इलेक्ट्रिसिटी प्रॉपरली पहुँच नहीं पा रही है, तो वहाँ पर सोलर पावर प्लांट लगा दिए जाते हैं जिससे कि उस गांव तक इलेक्ट्रिसिटी पहुँची जा सके। इनफैक्ट गवर्नमेंट इज नाउ इंक्रीजिंग ऑन बोथ द सोलर एनर्जी एज वेल एज द हाइड्रो पावर हाइड्रल एनर्जी एज वेल एज द न्यूक्लियर एनर्जी। इसके अलावा आपने विंड एनर्जी या फिर आपने पवन चक्की देखी होगी, ओके, तो वो आपने देखी, उससे भी हम पावर जनरेट कर सकते हैं। ओके, एनर्जी जनरेटेड बाय फास्ट मूविंग विंड इज कॉल्ड एज विंड जनरेटेड। जो भी हम एनर्जी या पावर हम फास्ट मूविंग विंड से बनाते हैं उसी को हम बोलते हैं विंड एनर्जी। मैन हैज़ बीन यूजिंग विंड द स्पीड ऑफ विंड फॉर एग्रीकल्चर एंड ट्रांसपोर्टेशन फ्रॉम द बिगिनिंग ऑफ द सिविलाइजेशन। विंड एनर्जी इज ऑल्सो यूज टू गेट अंडरग्राउंड वाटर थ्रू विंड मिल्स। पोटेंशियल ऑफ विंड एनर्जी इन इंडिया एस्टिमेटेड टू बी 45,000 मेगावाट। प्रेजेंटली इट हैज़ बीन कैपेसिटी प्रोड्यूसिंग 1340 मेगावाट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। द सेंटर फॉर विंड एनर्जी हैज़ बीन एस्टैब्लिश्ड इन तमिलनाडु, केरला एंड इन सदर्न इंडिया एंड इन गुजरात इन द वेस्टर्न इंडिया। कंटिन्यूटल विंड इज गुड एट सी, कुछ देर फॉर कुछ तो देर एरियाज आर सुइटेबल फॉर द प्रोडक्शन ऑफ विंड एनर्जी। अब विंड एनर्जी की अपनी एक लिमिटेशन है कि उसको ऐसी जगह चाहिए जहाँ पर ऑब्वियसली बात है हवा ज़्यादा हो, तो या तो पहाड़ी इलाकों में सबसे ज़्यादा विंड एनर्जी हम जनरेट कर सकते हैं या फिर कोस्टल एरियाज यानी कि समुद्र के पास वाले जितने भी सदर्न पार्ट ऑफ आवर कंट्री है वहाँ पर हम विंड एनर्जी हम ज़्यादा से ज़्यादा हम जनरेट कर सकते हैं। उसके साथ साथ वेस्टर्न पार्ट्स लाइक गुजरात वहाँ पर हम जनरेट कर सकते हैं। इसके साथ साथ एक और इंटरेस्टिंग बात यह है कि हमारी कंट्री एस्टिमेटली 45,000 मेगावाट ऑफ एनर्जी जनरेट कर सकती है, बट एट प्रेजेंट हम सिर्फ 1340 मेगावाट ऑफ पावर ही जनरेट कर पा रहे हैं। इसके अलावा दो और अदर नॉन कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी है, एक होता है बायोमास एनर्जी और एक होती है जियोथर्मल एनर्जी। जियोथर्मल एनर्जी यानी कि अर्थ के अंदर अर्थ के इंटरनल इनसाइड अवर अर्थ इंटीरियर ऑफ अर्थ की खुद की अपनी एक एनर्जी पजस करती है जो कि काफ़ी गर्म होती है, वेरी हॉट होती है। अब इस टाइप की एनर्जी को हम बोलते हैं सिंस इट इज अर्थ एनर्जी डेट इज इट इज नोन एज जियो थर्मल एनर्जी। ओके, प्रोडक्शन ऑफ दिस एनर्जी डिपेंड्स ऑन द स्प्रिंग्स ऑफ हॉट वाटर एंड वाटर बॉडीज। अब इस एनर्जी का प्रोडक्शन डिपेंड करता है जो हॉट वाटर और हॉट वाटर बॉडीज जो इंटीरियर ऑफ द अर्थ है। सो देर आर अबाउट 340 वाटर बॉडीज इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ आवर कंट्री। तो ऐसी जो जहाँ पे गर्म पानी निकल सकता है या हॉट वाटर निकलता है अंडरग्राउंड द वाटर, ऐसे 340 प्लेसेस हैं।
The important water bodies which produces electricity are situated in the northwest of Himachal, in the west coast, Puga in Jammu and Kashmir, mountain village of Himachal and western coastal areas are producing geothermal energy to plant, जिसमें से निकल रही है 300 किलोवाट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, ओके, और इसको कंट्रोल कर रहा है नेशनल जियोथर्मल रिसर्च इंस्टीट्यूट ऑफ हैदराबाद, ओके। सो ये हो गई हमारी जियोथर्मल एनर्जी, इसमें मैंने आपको बता दिया, पर लेकिन अभी भी इसमें बहुत सारी लिमिटेशंस हैं, ओके। हमारे पास इनफैक्टली पूरे वर्ल्ड के पास ऐसी टेक्नोलॉजी नहीं है कि उस एनर्जी को प्रॉपरली हार्नेस कर सकें, हार्नेस इन द सेंस उस एनर्जी को हम यूटिलाइज कर सकें। ऑल दो ये एक पोटेंशियल सोर्स ऑफ एनर्जी हो सकती है, बट लेकिन आपको 10 to 20 ईयर्स और मे बी मोर ईयर्स, क्योंकि तब तक हमारे पास ऐसे इंस्ट्रूमेंट्स, ऐसी टेक्नोलॉजी होगी जिससे कि हम अर्थ की जो एनर्जी है उसको हम पूरी तरीके से यूज़ कर सकें। अगर ऐसा होता है तो ऑब्वियसली बात है इन फ्यूचर हम पावर जनरेशन, जहाँ पर हम जो कन्वेंशनल सोर्स यूज़ करते हैं लाइक पेट्रोलियम हो गया, अदर कोल हो गया, इन सब से जब ये एग्जॉस्ट हो जाएंगे तो ये जियोथर्मल एनर्जी एक सहारा बनेगी। इसके अलावा एक बायोमास एनर्जी और होती है जो कि जो तो भी एग्रीकल्चरल वेस्ट जितना बचता है बाय द हेल्प ऑफ एनिमल रियरिंग हो गया और विद द हेल्प ऑफ जो भी एग्रीकल्चरल वेस्ट बनता बचता है उससे जो एनर्जी क्रिएट की जाती है उसे हम बोलते हैं बायोमास एनर्जी। आपने बायोगैस प्लांट सुना होगा जिससे कि जो काव का डंग होता है उसको यूज़ करके गैस प्रोड्यूस की जाती है, सेम वही प्रोसेस से हम पावर जनरेशन भी कर सकते हैं। इसके अलावा एक और एनर्जी होती है टाइडल एनर्जी, ओके। टाइडल एनर्जी जब मैंने आपको बताया था थोड़े दिन पहले जब हमने इलेक्शन बात की थी, समुद्र में जो वेव्स होते हैं, जो जब टाइड्स आती है, हाई टाइड्स लो टाइड्स आती है, तो अपने साथ सी करंट्स वेव करंट्स लेके चलती है, उस टाइड से हम उस जो उस टाइड की जो एनर्जी होती है उससे हम अंडरग्राउंड पानी के अंदर हमारे से टर्बाइंस होती हैं जो कि घूमती है और एज एन एनर्जी क्रिएट करती है। एज अ रिजल्ट होता है क्या कि एनर्जी क्रिएट होती है जो कि हम मैकेनिकल एनर्जी को हम फिर इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर लेते हैं, एज अ रिजल्ट हमें पावर जनरेशन हो जाता है। सो टाइडल एनर्जी इज ऑल्सो वन ऑफ द मोस्ट एक बोल सकते हैं ऐसा सोर्स है जहाँ से हम एनर्जी पावर गेन कर सकते हैं, एनर्जी गेन कर सकते हैं। ऑब्वियसली बात है टाइडल एनर्जी की भी अपने लिमिटेशन से, ये ऐसी जगह हो जहाँ पर समुद्र हो जहाँ पर टाइड्स आती रहें, है ना, लाइक जस्ट लाइक हमारा जो वेस्टर्न कोस्ट है लाइक इन द अरेबियन सी या फिर मुंबई के आसपास के लिए, वहाँ पर हाई टाइड्स लो टाइड्स होते रहते, वहाँ पर हम टाइडल एनर्जी का यूटिलाइज कर सकते हैं, ओके। अब हम पढ़ेंगे इसमें कंजर्वेशन ऑफ पावर रिसोर्सेज, ओके, कि हमें पावर रिसोर्सेज को कंजर्व करके रखना है। ऑल दो वी आर यूजिंग, है ना, हमारे पास कुछ कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी है जो कि एग्जॉस्टेबल है, आगे जाके इन फ्यूचर खत्म हो जाएंगे, और कुछ ऐसे नॉन कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी हैं जिनको हम यूज़ अभी कर सकते हैं और आगे जाके वापस रिप्लेनिश हो जाएगी या फिर वापस रिजनरेट हो जाएगी, ओके। अब जो जो हमारी जो जो भी हम कन्वेंशनल जो हम पुराने समय से अभी तक यूज़ करते हैं सारी लगभग सभी एग्जॉस्टेबल है, लाइक उसमें पेट्रोलियम हो गया, उसमें कोल हो गया, ओके, इसमें से लाइक कोल से हम थर्मल पावर प्लांट से हम कहीं ना कहीं आने वाले फ्यूचर में कहीं ना कभी एग्जॉस्ट हो जाएंगे, ओके। तो अभी से हम कंज्यूम करना स्टार्ट कर देते हैं, इसमें बहुत सारे पॉइंट्स हम ऐड कर सकते हैं, फालतू की इलेक्ट्रिसिटी नहीं चला है, ओके, और बहुत सारे हमारे और इसके साथ साथ हमारी ह्यूमन बॉडी सॉरी जो हम हमारी सिविलाइजेशन अभी चल रही है कहीं ना कहीं हमें पावर जनरेशन पर डिपेंडेंट है, ओके। सो हमारी ये हमारा एक फ़र्ज़ होता है कि हम जो लाइक जो साइंटिस्ट होते हैं या फिर जो हमारे लीडिंग रिसर्चर्स होते हैं उनको कोई कन्वेंशनल जो फिर अदर सोर्स ऑफ एनर्जी के ऊपर ज़्यादा डिपेंडेंट होना पड़ेगा इन फ्यूचर, बिकॉज कहीं भी ना कभी ये एग्जॉस्ट हो जाएंगे, और इट विल टेक और मिलियंस ऑफ ईयर, मीन्स अभी जो हम यूज़ कर रहे हैं ये लाखों मिलियन ईयर्स की वजह से, जब ये अंडर द रॉक फॉसिल बने उसके बाद क्रूड ऑयल एंड मिनरल्स बने, ये इनको लगता है कम से कम हजारों मिलियंस ऑफ ईयर्स लगते हैं। सेम चीज अभी लग जाए, अभी वापस लगेगा इनको बनने के लिए, सो हमारे उसको अल्टरनेट सोर्स ऑफ एनर्जी होना चाहिए, ओके। सो हम क्या कर सकते हैं, कुछ मेजर्स आपकी बुक में दे रखे हैं, प्रोडक्शन ऑफ एनर्जी फ्रॉम डिग्रेडेबल सोर्स शुड बी लिमिटेड, लाइक जैसे जो कि खत्म होने वाले उससे हमें प्रोडक्शन ऑफ एनर्जी कम कर देनी चाहिए, धीमी कर देनी चाहिए। रिन्यूएबल्स जो सोर्सेस हैं लाइक सोलर एनर्जी हो गया, आप जियोथर्मल एनर्जी हो गया, उस पर फोकस ज़्यादा करें, उनसे हम जितनी ज़्यादा हम एनर्जी प्रोड्यूस करें उन सब चीज़ों पे ज़्यादा ध्यान दें। अभी लाइक न्यूक्लियर एनर्जी है तो उसका भी बस हमारे पास अबंडेंस है, तो हम उससे पावर जनरेट कर सकते हैं, ओके। इसके साथ साथ द एनर्जी जनरेटेड इन द कंट्री शुड बी ट्रांसमिटेड प्रॉपरली सो देयर इज नो एनर्जी लॉस ड्यूरिंग द ट्रांसमिशन, और देयर शुड बी प्रॉपर मैनेजमेंट सो देयर जब हम एक
जगह से दूसरी जगह जब इलेक्ट्रिसिटी ट्रांसमिट होती है तो उसमें कुछ एनर्जी लॉसेस होती है, तो कुछ ऐसा तरीका निकाला जाए जिससे कि एनर्जी का लॉस कम से कम हो सके। एनर्जी रिसोर्सेज शुड बी फुली यूटिलाइज फॉर विद पब्लिक अवेयरनेस प्रोग्राम कंडक्टर, एंड ऑब्वियसली बात है मोस्ट इंपॉर्टेंट जो प्ले करता रोल प्ले करता है वो पब्लिक करती है। अगर इफ द पब्लिक आर अवेयर कि हमें ये एनर्जी को वेस्ट नहीं करना है, इन्हें कंजर्व करके रखना, तो देयर इज अ पॉसिबिलिटी कि हम एनर्जी को कंजर्व कर पाए। ओके, एनर्जी शुड बी प्रोड्यूस बाय द पॉल्यूशन फ्री एनर्जी रिसोर्स, और जितनी भी हम एनर्जी प्रोसेस कर रहे हैं तो उसमें ऐसी होनी चाहिए, ऐसी सोर्स होना चाहिए जिससे कि हमें कम से कम पॉल्यूशन हो। लाइक द मोस्ट पॉल्यूटिंग अगर हम पावर जनरेशन की बात करते हैं तो थर्मल पावर प्लांट, थर्मल पावर प्लांट सबसे ज़्यादा पॉल्यूशन क्रिएट करता है, तो इससे अच्छा है जो इससे लेस पॉल्यूटिंग होगी हमारी विंड एनर्जी होगी, बहुत कम सबसे लोवेस्ट जो है प्रोड्यूस करती है, पॉल्यूशन प्रोड्यूस होता है इससे, सो इट इज़ अ गुड फॉर्म ऑफ एनर्जी, सो हमें इस पर ज़्यादा एम्फेसाइज करना चाहिए। ओके, सो कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी रिसोर्सेज, आवर एग्रीकल्चर क्रॉप्स और मिनरल्स वेरी इंपॉर्टेंट टू अस, नॉट फॉर टूडेज आवर लाइफ एज वेल एज फॉर द फ्यूचर जनरेशन। ओके, और कहीं ना कहीं अगर हम इसको बचा कर रखें, कंजर्व करके रख पाएंगे, तो ऑब्वियसली बात है हमारे पास रिसोर्सेज रहेंगे, इन फ्यूचर हमारी इकोनॉमिक डेवलपमेंट होती जाएगी। अगर रिसोर्सेज किसी भी कंट्री के रिसोर्स पूरी तरह से डिप्लीट हो जाए तो कंट्री इकोनॉमिकली बैकवर्ड हो जाती है। ओके, थैंक यू।